नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताने वाला हूँ जो लॉन्च हो चुका है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। आपको भी पता होगा हीरो इलेक्ट्रिक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है और बहुत ज़्यादा वेटिंग हीरो ऑप्टिमा HX पर चल रही है। तो अब तो बाइक भी आ गई है और बाइक पर तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है और बहुत लंबा वेटिंग पीरियड आपको मिलने वाला है। तो अगर आप बाइक लेना चाहते हो और वो भी हीरो का बाइक लेना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, आपको दोस्तों स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कितनी एक चार्ज में चल जाती है और क्या प्राइस इसकी रहने वाली है। सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। आपको डिस्क मिलेंगे, ट्यूब कौन सा मिलेगा यानी कि टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे या फिर रेडियल मिलेंगे, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और बैटरी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, मोटर पावर कितनी होने वाली है, सब जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से कलर इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसमें पूरे 3 कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको रेड कलर मिल जाएगा, एक ब्लू कलर मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक वाइट कलर मिलेगा और एक कलर आपको यहाँ पर ग्रे कलर मिल जाएगा। तो 4 कलर में ये आपको काफ़ी सुंदर बाइक आपको देखने को मिल जाती है हीरो की तरफ से। तो अपन बात कर लेते हैं आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी दोस्तों सारी डिटेल्स नहीं आई है, जो जो मुझे पता चला है सूत्रों के हिसाब से वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो काफ़ी पावरफुल इसकी बैटरी होने वाली है और इसकी प्राइस भी लगभग मैं बता दूंगा इस प्राइस तक ये लॉन्च होगी। वैसे तो लॉन्च हो चुकी है, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जो रिवोल्ट की बाइक आ रही है RV 300 और RV 400, तो RV 400 को कड़ी टक्कर देने वाली है क्योंकि दोस्तों लुकिंग भी वैसी है और एकदम हीरो का ब्रांड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बैटरी चार्ज होने का टाइम लेती है यानी कि एक चार्ज में जो टाइम लेती है वो 4 घंटे का लेती है और इसकी टॉप स्पीड दोस्तों 85 किलोमीटर होने वाली है यानी कि काफ़ी अच्छी स्पीड है और बाइक के हिसाब से तो काफ़ी मस्त स्पीड ये है। उसके बाद अगली बात करें राइडिंग रेंज यानी कि 1 किलोमीटर में ये कितनी चल जाएगी, तो 1 किलोमीटर में 160 किलोमीटर ये चलने वाली है यानी कि आप कहीं दूर भी जाना चाहते हो तो आराम से इस बाइक पर दो जने बैठ के कहीं पर भी जा सकते हो। 160 वैसे स्पीड खूब होती है। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड भी मिल जाएंगे, एक नॉर्मल मोड मिलेगा, नॉर्मल मोड में आराम से 40 से 45 चल जाएगी, फिर एक स्पोर्ट्स मोड मिलेगा उसमें 85 से 90 चली जाएगी और एक आपको यहाँ पर बिल्कुल इको मोड मिलेगा वो आपको 35 से 40 के बीच में ये बाइक चलेगी। तो काफ़ी अच्छी बाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ये आती है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी मैं बता दूंगा, काफ़ी अच्छे फीचर है। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे और रियर में भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। डिजिटल जो कंसोल मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, वो काफ़ी सुंदर मिलता है। उसके अंदर आपको इंडिकेटर लाइटें मिल जाएगी, साइड में जो इंडिकेटर मिलेंगे वो LED मिलेंगे, फ्रंट में जो हेडलाइट मिलेगी वो आपको यहाँ पर LED मिलेगी, टेल लाइट जो आपको मिलेगी वो LED मिलने वाली है, काफ़ी सुंदर लगती है। उसके बाद अपन बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और एकदम आपको ये नहीं लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एक पेट्रोल बाइक है। बस खाली आपको यहाँ पर इंजन नहीं दिखाई देगा, इंजन की जगह से थोड़ी पैक लगती है लेकिन काफ़ी सुंदर लगती है। उसके बाद अपन बात करें साइलेंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड भी यहाँ पर काफ़ी लुकिंग लगता है। उसके बाद साइड ग्लास जो दिखते हैं वो भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। स्पीडोमीटर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, चार्जिंग मिल जाएगा, बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखाई दे जाएगा, कौन से गियर में चल रही है यानी कि कौन से मोड में चल रही है वो आपको दिखाई दे जाएगा, टाइमिंग दिखाई दे जाएगी यानी कि क्लॉक भी आपको इसमें मिलेगी। और फ्रंट में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, रियर में भी आपको यहाँ पर फोक मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा जो काफ़ी सुंदर है। तो ये बाइक आपके लिए बहुत सुंदर होने वाली है। साइड इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिलने वाले हैं, फुट रेस्ट भी आपको यहाँ पर काफ़ी सुंदर मिलने वाला है, सीट आपको जो मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपको ग्रेप ग्रेल भी बहुत सुंदर पीछे मिलने वाली है, छोटी है लेकिन काफ़ी सुंदर है, दो जने बैठ कर आप कहीं दूर आराम से जा सकते हो। और जो पेट्रोल की जो टंकी होती है वहाँ पर आपको बैटरी प्लेसमेंट दिख जाएगा, वो भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया गया है। तो हीरो की तरफ से ये काफ़ी सुंदर बाइक है, हीरो इलेक्ट्रिक AE 47। तो ये बाइक मार्केट में धूम मचाने वाली है, अगर आप लेना चाहते हो तो इसे बेझिझक ले सकते हो क्योंकि हीरो की मार्केट वैल्यू ही बहुत है। आप इसे बाद में बेचोगे तो भी अच्छा खासा पैसा आपको ये देकर चली जाएगी।
और काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आती है। 160 किलोमीटर वैसे बहुत होता है अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक के शौकीन हो और इलेक्ट्रिक बाइक के शौकीन हो। अब इलेक्ट्रिक बाइक का ही ज़माना आने वाला है तो यहाँ पर यह बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाली है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से दो जने बैठ के आप कहीं पर भी जाइए, आराम से 160 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। उसके बाद अपन बात करें फ्रंट लाइट की, तो फ्रंट लाइट LED और काफ़ी अच्छी लाइट है, आपको रात के अंधेरे में बिल्कुल सीधा सटीक दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। अब मैं इसकी प्राइस बता दूं तो ये आपको मिलेगी लगभग 1,25,000 के बीच में ये आएगी गाड़ी, और काफ़ी सुंदर गाड़ी है। 1,25,000 जयपुर एक शोरूम ये आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर जयपुर एक शोरूम की प्राइस बता रहा हूँ और एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। अभी ये लॉन्च हो चुकी है लेकिन इसकी डिलीवरी कब होगी वो अभी तक किसी को नहीं पता है, तो कंपनी जब भी इसकी डिलीवरी देगी वो भी सूचना मैं आपको दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हीरो की इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में सभी को पता चले। और हीरो काफ़ी अच्छा ब्रांड है तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।